ट्राली में एक बार देखने लगा था कहीं से कोई रस्सी से खुल तो नहीं गई, हमने बहुत जुगाड़ से बांध दिए दो तीन बार रस्सी। एक रस्सी ये देखो, एक ये है तो ये अंदर साइड है और ये रस्सी। तो भाई अपनी ट्राली की मंडी हो चुकी है, ये गई है भाई 7581 रुपये चाट। तो भाई सुबह का टाइम हो गया 6:14 और अभी मैं निकल चुका हूँ घर से मंडी की ओर। साथ में अपने साथ तंबू वाली ट्राली, तंबू वाली नहीं पाल ढकी वाली, मतलब ढाकी तो नहीं है लेकिन बीच में जैसे ढलान बना दी, क्योंकि अगर पानी आ भी जाए बात है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा सूरज दिख रहा है लेकिन क्या बोलूँगा, 2 बजे 3 बजे 11 बजे शाम को कभी भी पानी आ सकता है। इस वजह से उसको थोड़ा ऐसा ढाँक दिया है, मतलब बीच में तो ऊपर साइड साइड में नीचे, ये है ना ये रोकेट की हमारी इधर बोनी ख़राब हो गई, ये देखो इधर तो बढ़िया उठ गई है। अरे यार ऊपर वाली पाल में हवा भरा। तो भाई मैं आ गया हूँ रास्ते में और ट्राली अपनी ये गाड़ी, ट्राली में एक बार देखने लगा था कहीं से कोई रस्सी से खुल तो नहीं गई, हमने बहुत जुगाड़ से बांध दिए दो तीन बार रस्सी। एक रस्सी ये देखो, एक ये है तो ये अंदर साइड है और ये रस्सी ऊपर साइड से है, बाकी ये थोड़ी सी हवा में उठ रही है ये वाली। बढ़िया इसको बांस बांध दिया बीच में तो बढ़िया। अरे ब्रेक घिसा गया, बाकी चलो चलते हैं फटाफट से। तो भाई अपनी ट्राली की मंडी हो चुकी है, ये गई है भाई 7581 रुपये चाट। श्यामभूदयाल, कहीं क्या लिखा है, श्यामभूदयाल फूलचंद मोदी, ये इन्हें ना मेरे साथ पहले पढ़ाई करी है, मतलब जो इनका लड़का है ना इसने इतनी ट्राली खड़ी थी। बाकी चलो इसको कांटा कराता हूँ और फिर जो पानी का मौसम भी आया है। तो भाई ट्राली को खाली कर ली है, कांटा आटा करवा के टोटल वजन निकला है 72 क्विंटल 20 किलो, मतलब ट्रैक्टर ट्राली अब इसमें तो निकलता है 41-42 क्विंटल ये ट्रैक्टर और यही ट्राली का लगभग और बैठ गई है 1:22। बाकी चलो एक बार और कांटा कराता हूँ उसका और फिर हो जाएंगे अपन फ्री, 1 बजे ही फ्री हो गया आज मंडी ये वाला कांटा। तो भाई मूंग हो गई अपनी कंप्लीट, मैं तो मंडी से फ्री हो चुका हूँ और इसमें निकला अनाज अपना मूंग का 35 क्विंटल, 7 किलो 7 या 10 इतनी कम थी लगभग। अगर अब इसको फुल भरते अपन सिर्फ डाला में, हमने थोड़ी सी कम रख ली थी, मतलब ये दिख रहा ना ये इसके जो ऊपर वाले जो ऐसे निशान है ऐसे, ये पूरे वाले ये इतनी खाली थी। तो इसमें 35 से 35 क्विंटल अपने मतलब वो बढ़िया से निकल जाते हैं इसमें। अब 35 इसमें निकल रहे तो 10 और 20 और मतलब 5560 बोरा, 60 से ऊपर पहुंच जाएगा आई थिंक, क्योंकि ये डाला भी तो खाली था। 62 से 65 बोरा के लगभग में इसमें आ जाती है मूंग। अभी अगले राउंड में देखते हैं कौन सी ट्राली आ रही है, अगर इसको फुल वर्क लाए तो फिर देखेंगे कितना निकलता है इसमें। और अनाज तो निकल ही जाता है अपना गेहूँ का 58 से 60 बोरा के बीच में निकल जाते हैं। बाकी डीजल डीजल तो है अभी इसमें, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, डीजल का काम नहीं है उतना, डाल के ऊपर है अभी तो बहुत है, अब आना ही कहाँ, एक बार और आना एक दो बार और बस फिर घर ही चलाना है जो भी है जितना भी है। ये देख रहे हो 53
इसका है ना हैंड ब्रेक भी ख़राब है और बैटरी भी ख़राब है, बंद भी नहीं कर सकते और हैंड ब्रेक भी नहीं लगा सकते। और अपना ये खड़ा, पानी का मौसम बन गया, पानी भी आ गया था तो मैंने ट्राली अंदर कर दी है, हाल खाली मिल गई थी तो, क्योंकि इसमें रखी हुई है पाल जो कि गीली होने से मैं बचा रहा हूँ जितनी हो सके। बुट्टी वाले टायर है, भाई मंडी से हो गया मैं फ्री 2:47 पर और अब चलते हैं घर, घर से निकल लिया। उसमें 1000 रुपये का डीजल लगवाया मैंने, बस उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत है इतना, 1.5 टैंक डीजल हो गया बहुत है। तो भाई घर आ चुका हूँ मैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। ये कर दिया ट्रैक्टर, इसका सब पोल पट्टी खोल दिया, मतलब जैसे लगाता है ये ट्रॉली में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, शायद इसको धोइए। मौसम भी बन रहा था बड़ा अच्छा, हुआ मैं सूखे सूखे में आ गया। पाल फट्टा अपने जो बिछा के लेकर उड़ मतलब ढक के ले गए थे वो सब सूख के घर आ गए। तो भाई इस पे मैंने आके पानी मार दिया, अंदर तक की धूल मूंग सब चीज़ साफ़ हो गई, क्योंकि इसको बहुत दिन से नहीं धोई थी, बहुत ज़्यादा दिन हो गए। वो ट्राली को अभी धोई क्योंकि वो दवाई डालने गई थी मेयर पे, तो उसको धोई तो ये और क्यों छूट जाएगी, मतलब इसको नहीं छूटने दूँगा। इसको भी मार मोड़ के कंप्लीट कर दिया, बाकी तो ये ट्राली तो भराई गई अभी मूंग में जाना है, लेकिन फिर भी मार दिया अगर नीचे तक की धुल्ला निकल जा वो थोड़ी सी साफ दिखा, थोड़ा सा सूख जाने देता हूँ और फिर लगाता हूँ यहाँ पर। आगे से थोड़ी ऊंची कर दूँगा, पानी पीछे बहता रहेगा, प्लस डाला भी खुला रख दूँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पानी निचर जाने देता हूँ, फिर इस पर मार दूँगा। तो भाई आज नेक्स्ट मॉर्निंग और काम चल रहा है ये सब सामान रखने का, एक सीडिल एक रोटा बेटा उधर रख दिया वहाँ पर न्यूजीलैंड से, बाकी ये इसको मैंने धो दिया जब तक, क्योंकि वो सीडल तो धोई हुई थी, ये वाली नहीं थी धोई, तो इसको मैंने धो दिया। इसकी जुगाड़ लगा रहा हूँ, इधर तो जगह नहीं है, इसकी जुगाड़ लगा रहा हूँ यहाँ पर अल्टरनेटर के सामने जो जगह खाली है ना, देखो इधर जगह खाली है, उधर तो प्लाऊ रखा, कंडे रखे, फिर इधर ये सीडल रखी, उसके पीछे लकड़ रखे, ये ड्रम हटा के अल्टरनेटर के सामने जगह बच रही है, ये जगह पर रखने की सोच रहा हूँ। रखा तो जाएगी वैसे इधर से ट्रैक्टर लग के, मतलब ट्रैक्टर को मुँह इधर कर देंगे ट्राली साइड और यहाँ से इसी रिवर्स में रखा जाएगी। ये ट्राली को बीच में ही खोल दिया क्योंकि इसमें जुड़ी हुई थी, यहाँ खोल दिया इसको। तो भाई शाम का टाइम हो चुका है 7 और हमने ये हमारे जो सामान है इम्प्लीमेंट, एक कल्टीवेटर वो रखा हुआ है उसके साइड में रखा हुआ है सुपड़ा, कल्टीवेटर के नीचे हमने रखी है ईंटा, तो फल्ले टच नहीं हो रहा है, दोनों साइड साइड के फल्ले में हमने ईंटा रख दिया, बाकी पाइप जो रखे थे हमने यहाँ पर उनको थोड़ा सा उधर दूर कर दिया, बेल यूज का आधे पाइप है वो, और बाकी ट्राली एक लगा दी है इधर अंदर, क्योंकि इस ट्राली को हमको ज़्यादा चलाना नहीं है क्योंकि इसके टायर हैं ख़त्म। सिडल यहाँ पर रख दिया एक, और इसके पीछे रखा है रोटर वेटर, उधर रखा है पंखा, ये अब भी रख दिया हमने, और अभी इतना तो भरा गया, अब यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ वैसे कुछ चीज़ें रख भी दें अपन तो वो बचना नहीं है क्योंकि पानी यहीं गिरता है, वो छींटे में फिर गीली होना है, देखते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं क्या नहीं। एक सिडल हमारी पड़ी है कि वहाँ, क्योंकि उसकी जगह नहीं है, क्योंकि सीडल यहाँ रख नहीं सकते, क्या गिरा रे,
सिडिल यहाँ रख नहीं सकते, बहुत बाहर आ जाएगी सिडिल, थोड़ी सी लंबी आती है। कल्टी वगैरह रखा जाएगी, कल्टीवेटर, बाकी ये ट्राली को चलाना नहीं है क्योंकि अब इसको खड़ा कर दिया। अब दवाई दारू में भी चलेगी ना, मतलब दवाई में दारू तो छोड़ो, दवाई में चलेगी और मूंग में, तो वो चलेगी अपनी नई वाली जॉन डियर वाली ट्राली। ट्रैक्टर को भी मैंने धो दिया था, एक ट्रैक्टर ये खड़ा, और ये ट्रैक्टर को मैंने थोड़ा सा धो दिया, चकाचक कर दिया। ये देखो जितना मेरे से साफ हुआ मैंने उतना तो कर दिया इसको। लाइट नहीं है, अरे चमका दिया ये, इसको मैंने थोड़ा साफ कर दिया, देखो अच्छा दिख रहा। फिर भी शैम्पू वैम्पू धो दिया ना यार, सूखा नहीं है अभी क्योंकि पानी गिरा, गिरते में धोया और अंदर चढ़ा दिया। ये देखो मिट्टी भी दिख रही है ना यहाँ से, मैंने इसके लाइट चालू करके धोए, मेरे को आइडिया नहीं था कि ये ख़राब हो जाएंगे, चालू रहेंगे। चालू है भाई, पूरे लाइट चालू अपने। ये देखो वैसे उतना अच्छे से धोया नहीं क्योंकि पानी गिरते में धोया है। ये देखो ये कपड़ा ही नहीं लगा कहीं कहीं तो, बाकी मैंने तो ज़्यादा टायर साफ़ करे, मेरे टायर साफ़ दिखेंगे तो मशीन सही दिखाएगी। लाइट चालू में कोई दिक्कत नहीं है, लाइट और मैट, मैट हटा कर रख दी मैंने इसकी, बहुत मिट्टी मिट्टी में हो जाती है बरसात के दिनों में, हटा कर रख दी। अब भाई बरसात में इसमें लगवाना है अपने को कैनोपी, छत छत तो छत ज़्यादा सही लगता है मेरे को बोलने में, कैनोपी वगैरह तो अपने लिए नहीं है। टापलिंग इसकी इसमें ही है, इधर भी पूरा देखो, इधर आइल आइल हो रहा था, ये इनमें भी सब चकाचक कर दिया, जहाँ तक मेरे से धुआ था वहाँ तक कर दिया। और अपनी वायरिंग है एक ये येलो कलर का वायर, और एक है इधर ऊपर दिया हो जो बक्से वाली मशीन अपनी, और इसकी वायरिंग दिख रही हो तो इसमें यहाँ से तो है लेकिन इसमें अंदर डुबा दिया हमने, वो वहाँ दिख रही है वो देखो दो वायर वो है। बाकी ये सिडिल यहाँ रखी हुई है, और इसके बाद चलते हैं हम इधर वाले एरिया में। तो यहाँ पर रख दिया है अल्टीनेटर हमने, अल्टीनेटर रख दिया यहाँ से, ये चीज़ तो हमने बहुत पहले ही रख दी थी, और यहाँ पर रख दिया ये सिडिल हमने। वो सिडिल को सोचा कि यहाँ पर लगा दें तो फिर क्या हमारा ट्रैक्टर लग नहीं पा रहा है, यहाँ पर लग ही नहीं पा रहा है, वो जुगाड़ी नहीं हो रही लगाने, क्योंकि वो सिडिल भी थोड़ी सी लंबी है। और यहाँ लगाने की सोचा तो यहाँ पर भी वो समझ नहीं आ रही, कुछ बात बैठ नहीं रही हमारी, तो उसको तो रखेंगे अपन, ये मूंग के कमरे खाली होंगे तब। प्लाउ का हमारी सबसे बढ़िया जगह मिली है, छोटी जगह में बेचारा रखा जाता है, इसको थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा चाहिए अपने को, लेकिन हमारे पास लंबाई वाली जगह भी अवेलेबल थी तो इसको यहाँ रख दी। एक कल्टीवेटर रखा हुआ है यहाँ पर सात फल्ले का, जिसमें बनती हमारी गई, ये पैर के निशान दिख रहा है, गैया कहाँ गई वो बंदी, तो ये बनती है, वो चक्कर में इसको यहीं पर रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ना कूलर तरफ दबा दूंगा, उधर क्या फिर भी थोड़ी सी अच्छी जगह है मुरुम वाली, इधर तो फिर भी थोड़ा कीचड़ वाली है। साथ में ये खड़ी है ट्राली जो कि अब चलती रहेगी, ये बंद नहीं हो रहा, और ये इसको भी रखना है यार अंदर। इसको देखता हूँ मैं, सिडिल तो है, सिडिल पर तो रखा हुआ है जो अपनी नई सिडिल है, उधर भी कहीं भी पटक दूंगा, इसको पटकना है। बाकी ट्राली यार हमारी गीली पड़ी है अभी, देखो गीली है ना पीछे पीछे, बाकी इधर तो कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर पीछे, मतलब फाटक है ना दो ही, उस साइड भी इस साइड भी, इनके पीछे अब कुछ भी नहीं है, खाली ट्यूबवेल है, कुआ है जो नॉर्मल सामान है, बाकी ये इम्प्लीमेंट और वगैरह वगैरह जो भी सामान है वो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बाकी आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।